जी हिंद फ्रेंड्स वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके नेवी डबल ए एस एस आर एम आर के लिए वैकेंसी आ चुकी है हालांकि ये बहुत ही बुरी बात है कि लास्ट बार की तरह इस बार भी जो आपके एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपके टेंथ और ट्वेल्थ की परसेंटेज है उसके बेस पे जारी होंगे जो कि बहुत ही बुरी बात है तो देखिए जो लास्ट ईयर यानी कि 2020 में कितनी परसेंटेज पे किस स्टेट में एडमिट कार्ड आया था नेवी डबल ए एस एस आर और एम आर का उन सभी स्टेट्स के कट ऑफ देखेंगे और इस बार क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और कितनी कट ऑफ जा सकती है इस पे भी बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तुम आपको बता दूँ कि क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल डेफिनेटली नो डाउट आप सभी हैं नेवी जो डबल ए एस एस आर या फिर एम आर इन्होंने कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं रखी है तो आप डेफिनेटली फॉर्म जरूर फिल कीजिए क्या पता आपके स्टेट की इस बार कट ऑफ कम भी चली जाए तो ये कोई भी शोर नहीं कर सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उससे आपको एक अंदाज़ा ज़रूर मिल जाता है तो बस मैं तो यही कहूँगा कि आपको हार नहीं माननी है एयरफोर्स बहुत ही अच्छी है जो हमें सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए एयर फोर्स को क्योंकि वो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मतलब एलिजिबिलिटी प्रदान करती है और सभी को एक अपॉर्चुनिटी देती है चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो चाहे कॉमर्स से हो बायोलॉजी से हो या फिर मैथ वाले जबकि नेवी में ऐसा नहीं है तो मैं एयर फोर्स को इसीलिए बेस्ट मानता हूँ क्योंकि सभी को एक तो अपॉर्चुनिटी देती है और दूसरा हाँ थोड़ा डिली जरूर है इनका भी प्रोग्राम लेकिन सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड देती है और सभी का एग्जाम करवाती है ऐसे नहीं कि दस हज़ार बच्चे बुला लिए और उनका फिर एग्ज़ाम करवा रही है तो और जो भी हैं चार पाँच लाख छः सात लाख हैं अभी तो वो कहाँ पे जाएंगे तो ये बहुत ही दुखद बात है लेकिन इसमें अपन कर भी क्या सकते हैं तो देखिए लास्ट ईयर के जो कट ऑफ हैं उस पर बात करते हैं 2020 वाले तो ये जो कट ऑफ है एडमिट कार्ड यानी कि आपके शॉर्ट लिस्ट होने के लिए कट ऑफ है रिटर्न एग्जाम के लिए जो कि आपकी नेवी एम आर डबल ए और एस एस आर सॉरी एम आर की नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे इसके बाद तो ये है डबल ए एंड एस एस आर के लिए तो चलिए देखते हैं किस स्टेट की कितनी यहाँ पे कट ऑफ रही थी तो देखिए राजस्थान की यदि बात करें तो 92.8 परसेंटेज जिनकी थी ट्वेल्थ में उनका एडमिट कार्ड आया था और यूपी की यदि बात करें तो 88.6 और ये जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो मैथ साइंस वाले कैंडिडेट हैं तो ये देखिए कितनी हाई कट ऑफ यहाँ पर जाती है और जो कि इतने जो साइंटिस्ट स्टूडेंट्स हैं यदि वो वहाँ पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे जितना कि एक जो विलिंग वाला कैंडिडेट है जिसकी इच्छा है इच्छा शक्ति है वहाँ पे जाने के लिए और वो 40-50 मार्क्स ला के भी एग्ज़ाम पास करता है फिर भी वो वहाँ पे जाने की एलिजिबिलिटी रखता है यदि ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम और सभी के एडमिट कार्ड्स आते हैं तो तो ये गलत है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट एमपी की आपकी कट ऑफ गई थी 89.55 नाइन पॉइंट फाइव फाइव और यदि महाराष्ट्र की बात करें तो सेवेंटी नाइन झारखंड की आपकी कट ऑफ थी एटी फोर पॉइंट एट उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ की जो आपकी कट ऑफ थी वो थी एटी नाइन पॉइंट थ्री थ्री ओडिशा की थी आपकी नाइन्टी दिल्ली की आपकी यहाँ पे एटी सेवन पॉइंट एट कट ऑफ रही थी और हरियाणा की आपकी जो है नाइन्टी थ्री पॉइंट एट हरियाणा की कट ऑफ थी उत्तराखंड 92.1 इस पर आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था और यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 93.4 बिहार में आपके यहाँ पे 88.6 थी और आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पे 96.9 आंध्र प्रदेश की जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा है डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा है ये लिटरली और तेलंगाना की यदि बात करें तो 92.4 और वेस्ट बंगाल की 84.8, कर्नाटक की आपकी थी 81.6 तथा असम की यदि बात करें तो 72 और गुजरात की 63.8 तो ये तो थी डबले एस एस आर और एम आर की जो कि आपके स्टेट्स हैं जहां से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनकी कट ऑफ यदि फिर भी आपका कोई स्टेट छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर लेना मैं उसकी सेपरेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा अब बात करते हैं नेवी एमआर के बारे में नेवी एमआर की क्या कट ऑफ रही थी लास्ट बार तो देखिए नेवी एमआर की यदि बात करें 2020 में कितनी कट ऑफ पर यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था तो यदि राजस्थान की बात करें तो नाइन्टी था यूपी की बात करें तो ये भी नाइन्टी फाइव था एमपी में भी आपका नाइन्टी फाइव था महाराष्ट्र में ये जो कट ऑफ था वो आपका नाइन्टी टू जी हाँ दोस्तों तो महाराष्ट्र में भी ये आपका नाइन्टी टू था झारखंड में भी आपका नाइन्टी फाइव गया था छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो एटी नाइन पॉइंट थ्री थ्री आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा था टेंथ स्टैंडर्ड में जिन, जिनको जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था एडमिट कार्ड दिया गया था रिटर्न टेस्ट में बैठने के लिए किसमें नेवी एम आर में जो कि कुक का एक काम होता है मतलब कुक का काम है चलो ठीक है फिर भी लेकिन इतनी ज़्यादा परसेंटेज बनाने वाला कैंडिडेट कुक के काम को पहली बार तो करना प्रेफर नहीं करेगा एम के तहत और यदि करेगा भी तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जो कि एक मतलब एवरेज स्टूडेंट जो कि इच्छा शक्ति से वहाँ पे जाना चाहता है और वो सर्व करना चाहता है तो चलिए कोई बात नहीं देखते हैं झारखंड की यदि बात करें तो ये नाइन्टी फाइव थी छत्तीसगढ़ एटी नाइन और ओडिशा की आपके यहाँ पे नाइन्टी का टॉप थी और दिल्ली की बात करें तो नाइन्टी वन पॉइंट एट ये सभी आपकी नेवी एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट की, की कट ऑफ थी 2020 वाली तो देखिए ये दोनों तो मैंने बता दिए आपको फिर भी कोई स्टेट आपका छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आज कर लेना सेपरेटली मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा अब बात करते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने की तो सभी फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि हो सकता है कट ऑफ इस बार कम भी चली जाए हालांकि ऐसा लग नहीं रहा फिर भी क्योंकि इस बार इस बार भी और लास्ट बार भी नहीं थी फॉर्म फीस आपकी कुछ भी नहीं है तो बस फॉर्म भरने के सौ पचास रुपये जरूर लगेंगे आप चाहे तो फॉर्म से फो अपने जो फोन है स्मार्टफोन उससे भी अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं तो उससे आप ये भी चार्ज अपना बचा के मतलब फॉर्म फिल जरूर कीजिए उसके बाद यदि यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है एयरफोर्स है आपके लिए जल्द ही एयरफोर्स की वैकेंसी आने वाली है रिजल्ट भी आएगा एनरोलमेंट भी और वैकेंसी भी तो बहुत ही जल्द आने वाली है मतलब डिसअपॉइंट बिल्कुल भी ना हो एयरफोर्स बहुत ही अच्छी जॉब है बहुत ही रेपोटेड जॉब है और आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है ये सबसे अच्छी बात है अप्रिसबल बात है कि आपको एयरफोर्स अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ कोई डाउट हो कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आज कर लीजिएगा कुछ भी आपको यदि और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए किसी सिलेबस पे या एयरफोर्स के लिए चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आ रही हैं यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कैप सेक्शन हमारा चल रहा है ग्रामर भी हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं और रागा के लिए भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे लाने वाला हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत